हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफिनिटीज ऑफ हर्डमानिया विथ अनदर फाइलम, एफिनिटीज ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया जो होता है वो किस किस के साथ में सिमिलरिटीज को शो करता है उसको आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने बेलेनोग्लोसस के सिमिलरिटीज जो थी वो देखी थी। हर्डमानिया को हम और किस नाम से जानते हैं? सी स्क्वेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सी स्क्वेट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एफिनिटीज विथ नॉन कॉर्डेट्स। हर्डमानिया जो होता है वो नॉन कॉर्डेट्स के साथ में किस प्रकार से एफिनिटीज को शो करता है? एफिनिटीज विथ नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स के साथ में किस प्रकार से सिमिलरिटी शो करता है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं कुछ फीचर्स जो होते हैं उनके साथ में सिमिलरिटी शो करता है, जैसे कि पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा और यूरोकोड्स जो होते हैं ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? सेसाइल नेचर के होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है कि जो इमोटाइल होते हैं, ठीक है, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकते हैं। तो ये किसके साथ में इन नॉन कॉर्डेट्स में सिमिलरिटी शो कर रहा है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इनके साथ साथ में यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं ये तीनों कैसे होते हैं? ये तीनों सेसाइल नेचर के होंगे। यूरोकॉर्डेट्स दे आर सेसाइल इन नेचर, ठीक है, दे आर सेसाइल इन नेचर। कैसे होते हैं ये? सेसाइल नेचर के होते हैं। सेसाइल का मीन क्या होता है? इमोटाइल। इमोटाइल मतलब कि जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अगतिशील। क्या बोलेंगे हम हिंदी में इसको? अगतिशील होते हैं। पॉरीफेरा के अंदर हम देखते हैं, पॉरीफेरा में क्या आता है? साइकोन वगैरह आते हैं। सिलेंट्रेटा की अगर हम बात करते हैं तो ओबिलिया वगैरह आते हैं, ठीक है, तो हाइड्रा वगैरह, तो सारे के सारे कैसे होते हैं? इमोटाइल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके अफिनिटीज की बात करें तो इनके अंदर तीनों के अंदर ही क्या पाई जाती है? फिल्टर फीडिंग पाई जाती है, ठीक है। फिल्टर फीडिंग जो होती है वो क्या होती है? सेम होती है तीनों के अंदर ही, फिल्टर फीडिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके साथ में ये फिल्टर फीडिंग को शो करता है, तो फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म जो होती है वो सेम होती है। किसकी तरह होगी? जैसे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है, वैसे की वैसे क्या होगी? यूरोकॉर्डेट्स के अंदर भी पाई जाएगी। साथ ही साथ में रेस्पायरेशन थ्रू वाटर, ये भी क्या होता है? सिमिलर होता है। रेस्पायरेशन थ्रू वाटर, ये भी क्या होता है? सिमिलर होता है, ठीक है। वाटर के थ्रू जो रेस्पायरेशन होगा वो भी क्या होगा? सिमिलर होगा। इसके अलावा अगर हम जुएट्स की बात करें, ठीक है, तो हमें ओबिलिया के अंदर जुएट्स देखने को मिलते हैं, जैसे उसकी पॉलीप मेड्यूसा वाली जो होती है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, तो वो जुएट्स इनके अंदर भी देखने को मिलता है। बर्डिंग चेन ऑफ न्यू जुएट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। क्या होता है? बर्डिंग चेन ऑफ न्यू जुएट्स। न्यू जुएट्स की जो बर्डिंग चेन होती है वो क्या होती है? कॉमन होती है। किसके साथ कॉमन होती है? सिलेंट्रेट के साथ में। किसके साथ में ये कॉमन होगी? सिलेंट्रेट के साथ में कॉमन होती है। सिलेंट्रेट में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ओबिलिया की, जिसके अंदर ट्राइमॉर्फिक जुएट्स कॉलोनी देखने को मिलती है। उसके अंदर क्या आता है? पॉलीप आता है, मेड्यूसा आता है और ब्लास्टोस्टाइल आता है, ठीक है। तो उसकी जैसा कि जैसा हमें इसके अंदर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इनके अंदर कॉलोनियल मोड ऑफ लाइफ जो होता है वो भी हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? कॉलोनियल मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। कॉलोनियल मोड ऑफ लाइफ जो होता है वो कैसा होता है? सिंपल देखने को मिलता है। सिंपल कॉलोनियल मोड मतलब ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो कैसे होंगे? कॉलोनी के अंदर पाए जाएंगे, मतलब ग्रुप के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। अब हम अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एफिनिटीज विथ कॉर्डेट्स की हम बात करेंगे।
नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे एफिनिटीज विद कॉर्डेट्स, ये कॉर्डेट्स के साथ में किस प्रकार से एफिनिटीज को शो करता है। सेकंड, एफिनिटीज विद कॉर्डेट्स, ठीक है, कॉर्डेट्स के साथ में ये एफिनिटीज को शो करता है। कॉर्डेट के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज को ये शो करता है? सबसे पहला इसके अंदर आएगा, सबसे पहला जो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो एसीडियन टेडपोल लार्वा जो पाया जाता है उसके अंदर सारे के सारे बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, एसीडियन, इसके अंदर जो टेडपोल लार्वा होता है वो कौन सा होता है? एसीडियन टेडपोल लार्वा होता है, एसीडियन टेडपोल लार्वा। एसीडियन टेडपोल लार्वा जो होता है ये क्या होता है, सो सिमिलरिटीज ऑफ ऑल बेसिक कैरेक्टर, सो सिमिलरिटीज ठीक है, कौन सी सिमिलरिटीज शो करता, ऑल बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, ऑल बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स। बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं ये आप सब लोगों को पता ही होगा, फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी आती है, नोटोकॉर्ड, फिर दूसरी आती है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, और तीसरी जो होगी वो कौन सी आएगी, पेयर ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो ये तीनों के तीनों जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स हमें क्या होते हैं, किसके अंदर देखने को मिलते हैं, एसीडियन टेडपोल लार्वा के अंदर हमें तीनों के तीनों कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कि ये कॉर्डेट्स के साथ में अफिनिटीज को शो करता है। अब कॉर्डेट्स में हमने ये बेसिक कैरेक्टर की तो बात कर ली, इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो अलग अलग सब फाइलम जो होते हैं जैसे कि हेमीकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, उनके साथ में किस प्रकार से शो करता है। तो इसी के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं एफिनिटीज विद हेमीकॉर्डेटा, एफिनिटीज विद हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा के अंदर अगर हम बात करें तो हेमीकॉर्डेटा के अंदर किस प्रकार की सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहली जो सिमिलरिटीज आती है हेमीकॉर्डेटा के साथ में, सेम स्ट्रक्चर प्लेन ऑफ फेरिंग्स, क्या है का, सेम स्ट्रक्चरल प्लेन ऑफ फेरिंग्स, प्लेन ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स के स्ट्रक्चर हमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे अगर सिमिलर कैरेक्टर की बात करें तो इनके अंदर सिमिलर डेवलपमेंट देखा जाता है न्यूरल सिस्टम के अंदर, क्या देखने को मिलेगा हमें इसके अंदर, सिमिलर डेवलपमेंट सिस्टम, सिमिलर डेवलपमेंट सिस्टम किसका देखने को मिलेगा, सेंटर पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम, सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम। जो न्यूरल सिस्टम होता है उसके सेंट्रल पार्ट में हमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये भी किसके जैसा होता है, हेमीकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा के अंदर न्यूरल सिस्टम। ये हमने जब बेलेनोग्लोसस की एफिनिटीज पढ़ी थी तो उसके अंदर भी हमने ये पॉइंट देखा था कि ये क्या करते हैं, न्यूरल सिस्टम का डेवलपमेंट जो होता है वो दोनों के अंदर सेम सेम पाया जाता है। तो ये हमें उसके अंदर एफिनिटीज देखने को मिली थी। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड अकरेंस। थर्ड अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, थर्ड हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये भी क्या होती है, दोनों के अंदर सिमिलर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
इसके अंदर जो कॉर्डेटा हमारा फाइलम है, कॉर्डेटा के अंदर ही हम बात करते हैं सेकंड सब फाइला की। सेकंड सब फाइला कौन सा आएगा? यूरोकॉर्डेटा तो ये खुद है, दूसरा जो सब फाइला आएगा वो आएगा सिफेलोकॉर्डेटा। तो इसके अंदर ही हम बी पॉइंट में पढ़ते हैं एफिनिटीज विथ सिफेलोकॉर्डेटा, एफिनिटीज विथ सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा के साथ में एक इस प्रकार से एफिनिटीज को शो करता है। तो सिफेलोकॉर्डेटा के साथ में ये बहुत सारे एफिनिटीज को शो करता है। कौन कौन से एफिनिटीज को शो करता है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आता है सिमिलर सीलियरी फिल्टर फीडिंग, सिमिलर सीलियरी फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग। ठीक है, सिमिलर सीलियरी फिल्टर फीडिंग इसके अंदर देखने को मिलता है। बैलेनोग्लोसस और हार्डमानिया दोनों ही क्या करते हैं, सीलियरी फिल्टर फीडिंग के द्वारा अपना फूड लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनके अंदर अगर सिमिलरिटीज देखने को मिलती है तो सिमिलर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, सिमिलर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म देखने को मिलती है दोनों के अंदर ही। सेम एम्फियोक्सिस की अगर हम बात कर ले या फिर अगर हम हार्डमानिया की बात कर ले तो भी हमें क्या देखने को मिलेगा, सिमिलर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर सिमिलरिटीज की बात करते हैं तो नेक्स्ट इनके अंदर देखने को मिलता है हमें लार्ज फेरिंग्स, दोनों के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलेगा, लार्ज फेरिंग्स हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके अंदर हमें ब्रैंकियल टेंटिकल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं हर्डमानिया के अंदर, लेकिन उसी के सिमिलर कौन काम करता है, एम्फियोक्सिस के अंदर वेलर टेंटिकल्स। जब हमने इसके जनरल कैरेक्टर पढ़े थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो वेलर टेंटिकल्स होते हैं वो वेलर टेंटिकल्स तो एब्सेंट होते हैं किसके अंदर, हर्डमानिया के अंदर, बट उन वेलर टेंटिकल्स की जगह पर क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, ब्रैंकियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और ये वेलर टेंटिकल्स जो होते हैं ये वेलर टेंटिकल्स पाए जाते हैं एम्फियोक्सिस के अंदर। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज होती है, ब्रैंकियल टेंटिकल्स जो होंगे वो किसके जैसे सिमिलरिटी शो करेंगे, ब्रैंकियल टेंटिकल्स की अगर हम बात करें सिमिलर विथ वेलर टेंटिकल्स, सिमिलर विथ वेलर टेंटिकल्स। वेलर टेंटिकल्स की सिमिलरिटीज ये शो करता है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर बात करें तो इनके अंदर जो एंडोस्टाइल होती है वो दोनों में सिमिलर देखने को मिलती है, सिमिलर एंडोस्टाइल, सिमिलर एंडोस्टाइल देखने को मिलती है। हमने देखा था एंडोस्टाइल जो होती है वो दोनों के अंदर ही पाई जाती है, बैलेनोग्लोसस में एंडोस्टाइल एब्सेंट थी बट हर्डमानिया के अंदर और एम्फियोक्सिस के अंदर दोनों के अंदर एंडोस्टाइल प्रेजेंट थी। तो ये एंडोस्टाइल जो होती है वो कैसी होती है, सिमिलर एंडोस्टाइल हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसमें और बात करें तो एक आता है इसका एट्रियल कॉम्प्लेक्स, सिमिलर एट्रियल कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसके जैसी, ये हमने बात कर ली सिफेलोकॉर्डेटा के साथ में यूरोकॉर्डेटा की एफिनिटीज की। हर्डमानिया जो होता है वो एम्फियोक्सिस से किस प्रकार से सिमिलर होता है तो वो हमने बात कर ली। इसके अलावा एसिडियन टेडपोल लार्वा और ब्रैंकियोस्टोमा का जो लार्वा होता है, ठीक है, एम्फियोक्सिस जिसको हम बोलते हैं, इनके अंदर भी कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है सिमिलरिटीज सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो किसके बीच में सिमिलरिटीज की हम बात करेंगे, सिमिलरिटीज
बिटवीन किस किस में? एसिडेंट लार्वा के अंदर, एसिडेंट लार्वा जो होता है, एसिडेंट लार्वा किसका होता है? हर्डमानिया का। विथ किसके साथ में? ब्रैंकियोस्टोमा का जो लार्वा होता है, इनके लार्वा के अंदर भी हमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, ब्रैंकियोस्टोमा के लार्वा। ठीक है, इनके अंदर जो हमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, उसके अंदर सबसे फर्स्ट सिमिलरिटीज आती है, तो इसके अंदर हम सिमिलरिटीज की बात करते हैं, तो इसके अंदर अर्ली स्टेजेस जो होती है डेवलपमेंट की, वो दोनों के अंदर हमें सिमिलर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो होगा वो हमें दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सिमिलर। अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट वो दोनों के अंदर सिमिलर होता है। साथ ही साथ में इनके अंदर जो टेल होती है दोनों ही लार्वा के अंदर, टेल विथ मीडियन वर्टिकल फिन्स के साथ में होता है, मीडियन वर्टिकल फिन्स के साथ में होता है। इसके अलावा इनके अंदर फिन रेज जो होती है वो एब्सेंट होती है, विदाउट फिन रेज होता है। ठीक है, क्या होगा? इनके अंदर फिन्स तो पाए जाएंगे बट दे आर विदाउट फिन रेज, तो ये सिमिलरिटीज भी दोनों के अंदर सेम देखने को मिलती है। इसके अलावा मीडियन सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, मीडियन सेंसरी ऑर्गन, तो ये भी हमें दोनों के अंदर सेम देखने को मिलते हैं। सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ऑटोसिस्ट, ओसिलस और स्टेटोसिस्ट। हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना है बट ये याद रखना है कि दोनों के अंदर इनका डेवलपमेंट जो होगा वो सिमिलर होगा। और एट्रियल कॉम्प्लेक्स और फेरिंग्स, तो ये तो हम एडल्ट में भी देखते ही है, तो हमने बात कर ही ली है। एट्रियल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सिमिलर देखने को मिलता है, फेरिंग्स जो होता है वो हमें सिमिलर देखने को मिलता है। तो ये सिमिलरिटीज हमने बात कर ली लार्वल की भी। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट के साथ में सिमिलरिटीज की। थर्ड हमारा क्या आएगा? एफिनिटीज विथ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के साथ में सिमिलरिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं? पहले इनके अंदर हमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती है न्यूरल ग्लैंड के अंदर। किस में देखने को मिलेगी? न्यूरल ग्लैंड के अंदर। न्यूरल ग्लैंड जो होती है वो दोनों के अंदर सिमिलरिटीज होती हैं। न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड किस में पाई जाती है? हर्डमानिया के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं यूरोकॉर्डेटा के अंदर। ये किसके होमोलोगस होती है, किसके सिमिलर होती है? न्यूरल ग्लैंड इज होमोलोगस विथ होमोलोगस विथ वर्टिब्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड के। किसके सिमिलर होगी ये? वर्टिब्रेट पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारे अंदर, उसके सिमिलर इनके अंदर जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं, यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं उनके अंदर न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि न्यूरल ग्लैंड जो होती है वो वर्टिब्रेट के अंदर सिमिलर देखने को मिलती है एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड के फॉर्म में। सेकंड अगर हम इसके अंदर बात करें तो एंडोस्टाइल विथ वर्टिब्रेट थायरॉयड, ये भी हमें कैसे देखने को मिलता है? सिमिलर देखने को मिलता है। एंडोस्टाइल विथ वर्टिब्रेट थायरॉयड, वर्टिब्रेट थायरॉयड। ठीक है, हमारे अंदर जो थायरॉयड होती है या फिर वर्टिब्रेट के अंदर जो थायरॉयड होती है वो किसके सिमिलर होती है? यूरोकॉर्डेटा के अंदर एंडोस्टाइल के सिमिलर होती है। किसके सिमिलर होगी? यूरोकॉर्डेटा के अंदर एंडोस्टाइल के सिमिलर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोर्ड जो होती है वो सिमिलर देखने को मिलती है। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोर्ड जो होती है वो हमें क्या कैसे देखने को मिलेगी? सिमिलर देखने को मिलेगी। ये किसके अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है एसिडियन लार्वा के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करता है? वर्टिब्रेट से सिमिलरिटीज शो करता है। इसके अलावा हम बात करें तो टाइप ऑफ क्लीवेज और गैस्ट्रोलेशन जो होता है वो भी हमें सिमिलर देखने को मिलता है। टाइप ऑफ
क्लीवेज, क्लीवेज हम किसको बोलते हैं, वीदलन जो होता है, ठीक है। और साथ ही साथ वीदलन होने के बाद में क्या होता है, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये जो स्टेजेस बनती हैं, तो वीदलन और गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो हमें सिमिलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली सिमिलरिटीज़ की, किसके सिमिलरिटीज़ की हमने बात की, यूरोकॉर्डेटा के सिमिलरिटीज़ की हमने बात की, किसके साथ में हमने देखा, सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स के साथ में, सबसे पहले हमने नॉन कॉर्डेट्स के साथ में देखी, फिर हमने देखी कॉर्डेट्स के साथ में, कॉर्डेट्स में इसके बेसिक कैरेक्टर मिलते हैं, इसके बाद में कॉर्डेट्स के अंदर भी हमने इसके सब फाइला के साथ में इसकी अफिनिटीज़ देखी, हेमिकॉर्डेटा के साथ में और सिफेलोकॉर्डेटा के साथ में। इसके अलावा सिफेलोकॉर्डेटा का लार्वा और हेमिकॉर्डेटा का जो यूरोकॉर्डेटा का जो लार्वा होता है, इन दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती है ये भी हमने देख ली, और लास्ट में हमने वर्टिब्रेट के साथ में क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं यूरोकॉर्डेटा की वो भी हमने देख ली। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो एम्फीऑक्सस है वो एम्फीऑक्सस किस प्रकार से एफिनिटीज़ को शो करता है दूसरे फाइलम के साथ में और वर्टिब्रेट के साथ में, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे।